अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हु इज़ क्रिमिनोलॉजिस्ट। हम क्रिमिनोलॉजी के इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हैं। अभी हमने क्राइम को समझ लिया, हमने थोड़ा बहुत क्रिमिनोलॉजी को समझ लिया, तो अब हम देखते हैं कि भाई क्रिमिनोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ठीक है, और उनका क्या रोल होता है। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या हैं, स्टडी करते हैं। लेट्स सी, क्रिमिनोलॉजिस्ट होल्ड डिग्रीज इन अ वराइटी ऑफ डाइवर्स फील्ड्स, मोस्ट कॉमनली सोशियोलॉजी बट ऑल्सो क्रिमिनल जस्टिस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेज। हमारे जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास मुख्तलिफ फील्ड्स की डिग्रीज लेते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनका जो काम है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है। आपने एक क्राइम को देखना है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना है, तो उन्होंने उनके पास बाकी सब्जेक्ट्स में भी डिग्रीज होती हैं। मोस्ट कॉमनली सोशियोलॉजी में डिग्री होती है उनके पास, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो क्या है, सोसाइटी की स्टडी है, ह्यूमन की स्टडी है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, जब आप उसको कवर करते हो तो आपके पास अपन की सोसाइटी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपके जो इंसानी नेचर है उसके बारे में आपको पता लग जाए, तो ये आपकी क्रिमिनोलॉजी में काम आती है। तो जो उनके पास डिग्रीज होती हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस भी है, क्रिमिनल जस्टिस है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंसेज, इन सब में उन्होंने ऑलमोस्ट डिग्रीज होती हैं उनके पास, तभी वो क्या कहलाता है, क्रिमिनोलॉजिस्ट, ठीक है। क्रिमिनोलॉजिस्ट ब्रिंग देयर फील्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस दैट एनहेंस देयर प्राइमरी प्रोफेशनल रोल, ठीक है। वही बात के उनके पास वैरायटी ऑफ स्किल्स होती हैं, उनके जो एजुकेशन है वो अच्छी होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है, जो उनका जो प्रोफेशनल रोल है जिससे उनको क्या मिलती है, उनको किक मिलता है, ठीक है। वो अपने काम में मज़ीद अच्छे से तभी अपना रोल प्ले कर सकते हैं जब उनके पास मुख्तलिफ स्किल्स मौजूद हों, ठीक है, उनके पास एजुकेशन उनकी अच्छी हो, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसका अच्छे से सोल्यूशन भी निकाल सकेंगे और उस प्रॉब्लम को एक आप कह सकते हैं ना कि प्रॉपर हर एस्पेक्ट से कवर कर सकेंगे। क्रिमिनोलॉजिस्ट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी एंड एनालाइज द क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं स्टडी करने के लिए, और किसी भी क्राइम को या क्रिमिनल बिहेवियर को करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, देन उसको फिर वो एनालाइज करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या है हमारे पास, साइंटिफिक मेथड क्या है कि भाई आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, फिर आपने अपना डाटा कलेक्ट करना है, फिर आपने एक जनरल हाइपोथेसिस देना है, फिर आपने थ्योरी बनानी है, थ्योरी बनाने के बाद आपने एक लॉ दे देना है, ठीक है। तो यानी सिस्टमैटिक तरीके है, स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो करते हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट, एंड देन आपको उस क्राइम को एनालाइज कर देते हैं या उस क्रिमिनल बिहेवियर को एनालाइज कर देते हैं। आपके पास एक पूरा आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम आती है, देन उसके सामने पूरा आपको बता दिया जाता है कि प्रॉब्लम जो आई है ये क्यों आई है, इसकी वजूहत क्या क्या थी, कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, ठीक है, कोई भी क्राइम जो हुआ है उसके, और कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनसे इस क्राइम को होने से हम रोक सकते थे, तो अब इस मसले का हल क्या निकलेगा, हम इसको सोसाइटी में, क्योंकि क्राइम ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, तो हम कौन से मेजर्स लेंगे कि हमारे पास जो सोसाइटी में क्राइम हो रहा है इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। क्रिमिनोलॉजी एक्सप्लोर्स द ओरिजिन, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम इन सोसाइटी। क्रिमिनोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द नेचर, एक्सटेंट एंड कॉज ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी क्या करती है, आपके जो वो सोसाइटी में क्राइम की नेचर को देखती है, ओरिजिन को देखती है और एक्सटेंट को देखती है। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट भी इसी चीज़ से उसका कंसर्न है कि वो आइडेंटिफाई करे किसी भी क्राइम की नेचर क्या है, किस हद तक, यानी उसका आप कह सकते हैं कि जो क्राइम हुआ है वो किस हद तक है, कोई छोटा मोटा क्राइम है, कोई बड़ा क्राइम है, कोई मॉडरेट क्राइम है, या जो क्राइम हुआ है वो आप कह सकते हैं कितनी गहराई में हुआ है, ठीक है, और वजह क्या हुई उस क्राइम को देखने की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। एक डायग्राम के तहत हम रोल ऑफ क्रिमिनोलॉजिस्ट समझ लेते हैं। इस फिगर में मैंने मेंशन कर दिया कि ये रोल ऑफ क्रिमिनोलॉजिस्ट है, तो हम इस एक टेबल से हमने बनाया हुआ ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, समझ तो हमें आ गई कि क्रिमिनोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या बनाया कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट एंड देन स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन सीकिंग वाई क्वेश्चंस, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्रिमिनोलॉजी का क्या है कि व्हाट डू वी वांट टू एक्सप्लेन, एक्चुअली हम एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। तो डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट इनके क्या आ रही हैं, इंटरवेंशन, क्राइम कॉजेशन,
रिस्पॉन्स टू क्राइम, ठीक है। एक क्राइम हो गया, किन किन चीज़ों की वजह से वो क्राइम हुआ, मुदाखलत उसमें किन किन चीज़ों की थी, क्राइम कॉजेशन किन वजूहात की बिना पर वो क्राइम हुआ, ठीक है, हमने ये इस चीज़ों को देखना है। रिस्पॉन्स टू क्राइम, क्राइम हो गया तो उस क्राइम के होने के बाद सोसाइटी ने, लोगों ने उस क्राइम पे रिस्पॉन्स किस तरीके से दिया, ठीक है, ये हमारा क्या ब्रॉड डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट। देन हमने इन तीनों को देखते हुए कौन से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज क्राइम अकर, क्राइम क्यों हुआ, व्हाई इज क्राइम रिलेटेड टू एज, जेंडर, एथनीसिटी एंड सोशल क्लास। जो क्राइम है हमारा वो क्यों हमारा एज से रिलेट कर रहा है, यानी कौन सी एज के जो आपके लोग हैं सोसाइटी में, जो मेंबर्स हैं वो किस एज के हैं जो ज़्यादातर क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो यंग एज वाले हैं, क्या वो टीनेज हैं, क्या वो बच्चे ज़्यादा क्राइम करते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपके बड़े जो हैं, जो आपके 40 प्लस हो जाते हैं उनकी एज में क्राइम आता है, आपने रिलेट करना है, ठीक है, कि किस एज पे क्राइम ज़्यादा होते हैं और तो वजूहत क्या है उसके ज़्यादा होने की। देन जेंडर, मर्द ज़्यादा करते हैं, औरतें ज़्यादा कर रही हैं क्राइम्स, ठीक है। इतनी सिटी, आपके कौन से जात पात वाले जो है, हम कहते हैं कि भाई कौन से जो आपका जात क्लास है कौन से वाले हैं जो क्राइम ज़्यादा करते हैं। सोशल क्लास को आप देख लेंगे कि अपर, मिडिल, लोअर, कौन सी क्लास में क्राइम का रेट ज़्यादा है, ठीक है, और क्यों ज़्यादा है, हमने क्राइम को रिलेट करना है इन सब चीज़ों के साथ, इनके सवाल देने हैं आपने एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट। देन व्हाई डज क्राइम वेरी अक्रॉस डिफरेंट स्पेशियल एंड टेम्पोरल डायमेंशंस, क्राइम जो है वो क्यों वेरी करता है मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है, यानी मुख्तलिफ मकामी और वक्ती डायमेंशंस पे क्यों मैटर करता है। आप देख लो कि मतलब आप कह सकते हो एग्जांपल में कि हमारी पाकिस्तान में के क्राइम है वो उसकी क्या आपके पास आ रही है स्टेटिस्टिक क्या आ रहे हैं, देन वही क्राइम आप इंडिया के साथ कंपेयर कर लो या यूरोप के साथ कंपेयर कर लो, तो आप इस वाई का जवाब अपने एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट देने के क्यों डिफरेंस आ रहा है जो क्राइम रेट है उसका, और वक्त के हिसाब से भी आपने देखना है कि आपने 2012 उठा लें कि भाई 2012 में हमारा जो क्राइम रेट आ रहा है वो इतना था, ठीक है, दहशतगर्दी में आप लेकिन 2005 या 2004 का टाइम उठा के आप देख लें, तो अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म का रेट उस वक्त ये चल रहा था, अब भी 2023 में ये चल रहा है, तो जो फ्लक्चुएशन आ रही है वो क्यों आ रही है, ठीक है, या आप कह लें कि पेशावर में कंपेयर कर लें, साथ पंजाब को कंपेयर कर लें कि भाई इन दोनों में जो टेररिज्म है उसमें फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है, ठीक है, तो इन चीज़ों का जवाब कौन देता है, आपका क्रिमिनोलॉजिस्ट देता है। व्हाई डू इंडिविजुअल्स वेरी इन देयर लाइकलीहुड ऑफ कमिटिंग क्राइम, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, आप भी मेंबर हैं, मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ, लेकिन अगर मैं क्राइम कर रहा हूँ और आप नहीं कर रहे हो तो ये क्या वजह है, ठीक है, हम एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, शायद एक ही सरकमस्टांसिस के अंडर रह रहे हैं, एक ही हालात चल रहे हैं हमारी इकॉनमी के भी, फिर वही सिचुएशन जो है वो आपको क्यों मजबूर करती है या मुझे क्यों मजबूर कर देती है क्राइम की तरफ जाने के लिए और आपको क्यों नहीं करती है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट देना है और देखना है। Why do individual vary in their criminal behavior across time and space? Criminal behavior में मतलब एक crime हो रहा है, ठीक है, for example हम ले लेते हैं चोरी हो रही है, ठीक है, कराची में भी चोरी हो रही है, इस्लामाबाद में भी चोरियाँ हो रही हैं, कराची में आपको गन रख के आपसे आपकी चोरी भी कर दी जाती है और हो सकता है आपको गोली भी मार दी जाए, ठीक है, सेम इस्लामाबाद में भी चोरी हो रही है लेकिन आपसे सिर्फ आपका पैसा, आपका फ़ोन लिया जा रहा है, आपको कत्ल नहीं किया जा रहा, तो दोनों जगहों में क्या हो रहा है, आपकी हो रही चोरी ही है, ठीक है, क्राइम जो हो रहा है वो चोरी है, लेकिन वो एक जगह पे इतना इंटेंस क्यों चला जाता है और दूसरी जगह पे जस्ट वो इस हद तक ही क्यों रहता है कि वो सिर्फ रॉबरी के हद तक रह जाता है, दूसरी तरफ मर्डर के साथ क्यों आ जाता है, तो आपने जो ये कंपेरिजन देखना है कि क्रिमिनल बिहेवियर में वक्त के साथ और जगह के साथ क्या तब्दीली आती है, या हम ये देख लें कि कोई भी क्रिमिनल क्राइम्स जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं कुछ अर्सा पहले किस इंटेंसिटी के साथ हो रहे थे और अब किस इंटेंसिटी के साथ हो रहे हैं। तो एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट आपका रोल है कि आप इन सब वाई वाले क्वेश्चंस का आप आंसर दोगे, तो ये रोल होता है हमारे पास क्रिमिनोलॉजिस्ट का, ठीक है, सोसाइटी में क्रिमिनोलॉजी में के क्रिमिनोलॉजिस्ट कैसे क्राइम को देखता है, उसके नेचर को, उसके एक्सटेंट को, देन क्या उसका कौन कौन से क्वेश्चंस के वो आंसर करता है, देन उसका सॉल्यूशन वो किस तरीके से देता है, कोई भी लॉ देन कैसे बनता है, ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्रिमिनोलॉजिस्ट कौन होते हैं एंड देन उनका क्या काम क्या होता है, अपने टेबल जो है अपने माइंड में रख लेना, इससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, कि क्रिमिनोलॉजिस्ट का रोल क्या है।
हम अपनी कमिंग लेक्चर्स में मजीद क्रिमिनोलॉजी के इंट्रोडक्शन के चैप्टर को कवर करेंगे. थोड़ा सा टॉपिक आप कह सकते हैं ये लैब चैप्टर थोड़ा लेंथी इसलिए हो रहा है कि मैं इनको छोटे छोटे पीसेज में कर रही हूँ ताकि आपको हर वर्ड का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे तो हम क्रिमिनोलॉजिस्ट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, क्राइम का करेंगे, क्रिमिनोलॉजी का करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो एक एक लेक्चर में हम अपने इन टर्म्स को अच्छे से आपको समझाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लेक्चर्स को साथ साथ सुनते रहिएगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. अल्लाह हाफिज़.